डॉक्टर जिन्हें हम भगवान मानते हैं, चाहे कितनी से कितनी बड़ी बीमारी हो, हम डॉक्टरों पर आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। लेकिन कभी कभी यही भगवान कहलाए वाले डॉक्टर, जिन्हें हम भगवान का दर्जा दे चुके हैं, वे हमारी जान के दुश्मन बन जाते हैं। कभी उनकी एक गलती की वजह से कई लोगों की जान पर बनाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूँ रंजीता पठारे और आप देख रहे हैं न्यूज इन माय प्लेट। नदिया जिले के गांव में जहाँ गर्भवती महिला को गलत खून चढ़ा देने की वजह से ही एक नवजात की मौत हो गई, तो वहीं बीरभूम में पेट दर्द की शिकायत को लेकर अस्पताल पहुंचे 10 साल के बच्चे को गलत इंजेक्शन देने से उसकी मौत हो गई। और वो कोई आम बच्चा नहीं था, कोई आम इंजेक्शन नहीं था। डॉक्टरों को उस इंजेक्शन पर लिखा हुआ दिखना भी चाहिए था, उस पर लिखा हुआ था कि ये सांप काटने का इंजेक्शन है, सांप काटने के बाद लगाया जाने वाला इंजेक्शन है। और जो डॉक्टरों ने उसे पेट दर्द, मामूली पेट दर्द की शिकायत के बाद लगा दिया, यह आरोप मृतक बच्चे के पिता ने लगाया डॉक्टरों पर। बीरभूम जिले के केरामपुर हार्ट मेडिकल कॉलेज अस्पताल की घटना है यह। मृतक का नाम देवमाल है और चौथी कक्षा में पढ़ने वाला छात्र था। बीरभूम के नलहाटी थाने के गोसाईपुर ग्राम का रहने वाला था बच्चा। कल रात में ही जब उसे पेट दर्द हुआ, पेट दर्द की शिकायत के बाद सबसे पहले उसे लोहपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन बाद में रामपुर हार्ट मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। देव के पिता ने कहा कि अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों को यह बताने के बावजूद कि बेटी के पेट में दर्द है, उन्होंने इसे सांप काटने वाला इंजेक्शन लगा दिया। उनका कहना था कि इसे सांप ने काटा है, लेकिन बच्चे का तो केवल मामूली पेट दर्द था। अगर कहीं सांप ने काटा होता तो निशान होता सिर पर, हाथ पांव, शरीर के किसी भी अंग पर ये निशान होता। उसके बाद डॉक्टरों ने देव को कई सारे इंजेक्शन लगा दिए, लेकिन उसने हर पाँच मिनट में इंजेक्शन लगाए जा रहे थे उसे, और कुछ देर बाद देव इस दुनिया से चला गया। देव के पिता ने अस्पताल के MSPV से भी शिकायत की और कहा कि गलत इंजेक्शन के चलते उनके बेटे की मौत हो गई है। अब सोचिए किस हद तक सही है डॉक्टर, जिन पर हमने इतना विश्वास किया है, इतनी मामूली गलती जब बताया जा रहा है कि बच्चे का पेट दर्द है, तो भी उसे सांप काटने वाला इंजेक्शन क्यों लगाया गया। और इससे बड़ी बात और, एक महिला जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और उसे ए पॉजिटिव ब्लड चढ़ाया गया, एक गर्भवती महिला। पश्चिम बंगाल की घटना ये। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के पास एक अस्पताल में सबसे बड़ी लापरवाही की गई। उन्होंने गर्भवती महिला को ओ पॉजिटिव की जगह चढ़ा दिया गया ए पॉजिटिव। नतीजा क्या हुआ, गर्भ में पल रहे 8 माह के बच्चे की मौत। डॉक्टरों की थोड़ी लापरवाही के कारण, भले ही उनकी लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाए, मौत के बाद चाहे कितना हंगामा हो, हम कितनी न्यूज पर क्या आपको बताए, आप उसके लिए दुख व्यक्त करें, परिजन हंगामा करे, डॉक्टर गलती माने, लेकिन जिंदगी तो चली गई। उस जिंदगी का क्या, डॉक्टरों को जिंदगी संभालने का मौका दिया जाता है, जब उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है तभी कहा जाता है कि आप भगवान ने आपको हर चीज पे ध्यान रख के काम करना होगा, अपने इमोशन पे। लेकिन डॉक्टर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर रहे हैं, क्या इसके पीछे का कोई और कारण है, क्या डॉक्टरों को प्रॉपर शिक्षा नहीं दी जा रही है, प्रॉपर उन्हें गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है कि शुरुआत में जब डॉक्टर बनते हैं उसके लिए एक एग्जाम होता है, क्या उस एग्जाम में, क्या उस भर्ती परीक्षा में आरक्षण का उपयोग किया गया है, आरक्षण के कारण बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, या फिर जो रईस लोग होते हैं उनके बच्चे भी डोनेशन के बदौलत डॉक्टर बन जाते हैं। तो इन सब कारणों में से आखिर कारण कौन सा है कि एक मासूम की मौत हो गई, एक 8 माह के मासूम की मौत, और एक चौथी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे की मौत, वो भी डॉक्टरों की जरा सी गलती के कारण, जिसे सुधारा जा सकता था, जिसे नजरअंदाज किया जा सकता था, जिस गलती को नजरअंदाज नहीं, इस गलती, मतलब ये गलती हो ही कैसे सकती है, आप खुद ही सोचिए।
गलत इंजेक्शन लगा देना, जब बच्चे के पापा बोल रहे हैं कि उसे सांप ने नहीं काटा है, उसका पेट दर्द हो रहा है, तो पहले वैसे इलाज करना था। महिला का जब आपको बता दिया गया है कि ओ पॉजिटिव ब्लड है, फिर भी ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप क्यों कैसे चढ़ा दिया, ये गलती तो बच्चा भी नहीं करे अगर सामने लिखा हुआ दिखे तो इतनी बड़ी गलती डॉक्टर कैसे कर रहे हैं। कई बार ऑपरेशन थिएटर में मरीज के पेट में कैंची छूट जाती है, ग्लव्स छूट जाते हैं, यार कैसे कर सकते हैं जब आपका प्रोफेशन यही है, जब आपकी स्पेशलाइजेशन इसी में है, तो आप कैसे इतनी बड़ी गलती कर सकती, क्योंकि आपकी इतनी बड़ी गलती, आपकी चाहे छोटी सी भी गलती हो तो उससे किसी की जिंदगी पर बनाती है। डॉक्टरों से यही अनुरोध है कि कुछ भी करने से पहले पूरा ध्यान मां केंद्रित करें, क्योंकि आप किसी की जिंदगी के साथ खेल कर रहे हैं। आज के न्यूज़ इन माय प्लेट में इतना ही था, दिन भर बनी रही है NS News एक्सक्लूसिव के साथ, एक से बढ़कर एक वीडियोस के लिए। थैंक यू।